ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी उपयोजित लेखन में विज्ञापन लेखन इस ऑनलाइन लेक्चर को आज हम समझने वाले हैं कि विज्ञापन लेखन करते हुए जो कृति पत्रिका होती है 10वीं या 12वीं कक्षा की, उसमें कुल 5 अंक के लिए यह कृति पूछी जाती है कि विज्ञापन लेखन कीजिए। तो विज्ञापन लेखन कैसे करते हैं या विज्ञापन लेखन करते समय ध्यान देने की कौन सी बातें हैं, यह सब हम कृति नमूना के साथ आज इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अंत तक देखना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपने अंत तक देखा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि विज्ञापन लेखन कैसा करना चाहिए और विज्ञापन लेखन करते समय कौन सी ध्यान में रखने वाली बातें हैं, यह बात भी आज समझ में आ जाएगी, आपके आकलन में आ जाएगी। इसलिए अंत तक देखिए। आज यह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है, यह आज हम ई जोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर देख रहे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यह ऑनलाइन लेक्चर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इस ऑनलाइन चैनल पर आपको ऐसे ही लाइव स्ट्रीमिंग के लेक्चर 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक मराठी और हिंदी भाषा और बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर आपको इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, देखने वाले हैं आज इस ऑनलाइन लेक्चर में विज्ञापन लेखन करते समय और विज्ञापन बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों तक कोई विशेष जानकारी सूचना पहुंचाना होता है। जैसे किसी सामान को बेचना, खरीदना, या किसी रोजगार नौकरी से संबंधित किराए में मकान देना या लेना या नाम बदलना, गुमशुदा व्यक्ति की तलाश करना, वधूवर चाहिए या स्कूल में प्रवेश चाहिए, या खोया पाया या दुकान का प्रचार प्रसार हेतु, या चुनावी प्रचार प्रसार, या कोई जन आम लोगों से संबंधित सूचना आदि के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी विज्ञापन लेखन महत्वपूर्ण क्यों है, विज्ञापन लेखन की जरूरतें क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विज्ञापन से उपभोक्ता और उत्पादक कंपनी दोनों को ही फायदा होता है, क्योंकि उत्पादक कंपनी विज्ञापन के जरिए वस्तुओं की ज्यादा बिक्री कर पाती है और ज्यादा लोगों तक अपने उत्पाद को पहुंच पाती है। अपने उत्पाद के गुणों की जानकारी उपभोक्ता के सामने आसानी से रख पाती है। वही बाजार में एक ही वस्तु कई सारी कंपनियों द्वारा बनाई जाती है और हर कंपनी अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद का विज्ञापन करती है, जिससे उपभोक्ता को सभी उत्पादकों की जानकारी हो जाती है और वह बेहतरीन वस्तु को कम दाम में खरीद पाता है। यानी विज्ञापन उत्पाद कंपनी और उपभोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद होती है। देखिए, विज्ञापन लिखते समय ध्यान देने की योग्य बातें कौन सी है, तो कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक होनी चाहिए। विज्ञापन लेखन करते समय लिखते समय नारे, स्लोगन और प्रेरक वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना चाहिए। बॉक्स, गोले या अन्य चित्रों का इस्तेमाल भी अच्छा प्रभाव डालता है। लोक लुभावने शब्द जैसे सेल, धमाका, खुशखबरी, एक में एक फ्री, स्टॉक सीमित, पहले आप पहले पाइए, पहले आइए पहले पाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, जल्दी करो स्टॉक सीमित, अपना सपना साकार करें, जल्दी आइए कहीं देर ना हो जाए, या 40% की छूट आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ये लोगों को
प्रभावित करते हैं। विज्ञापन के अंत में अपना संपर्क नंबर, फोन नंबर अवश्य दें जो कंपनी या दुकान का हो। रंगीन चित्रों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक चित्रों का प्रयोग ना करें। जरूरत के अनुसार ही चित्रों का प्रयोग करना उचित रहेगा। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए और वाक्य बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। अगर विज्ञापन किसी सामान के खरीदने या बेचने से संबंधित है तो उसका मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में अवश्य लिखें। लिखावट आकर्षक होनी चाहिए तथा अलग अलग तरह के लिखावट का इस्तेमाल कर विज्ञापन को और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। विज्ञापन में वस्तु से संबंधित विषय के बारे में ही विस्तार से होना चाहिए। एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। बाई ओर बीच में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। तो जब हम परीक्षाओं में लिखते हैं, विज्ञापन तैयार करते हैं, तभी चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है। लिमिटेड ऑफर, स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे रोचक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। ऊपर की जगह में कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। संपर्क करें, फोन नंबर का उल्लेख अवश्य करें, जैसे 9332886789 आदि। अपना या सही फोन नंबर न देने से बचना चाहिए। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए छात्रों, जब हम बोर्ड एग्जाम में या किसी वार्षिक यानी आखिरी एग्जाम में जब हम जाते हैं तो वहां पर निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, इसी तरह की कृति पूछी जाती है। तो यहाँ पर दी गई है, देखिए नमूने के तौर पर, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। तो उसमें कौन से मुद्दे होने चाहिए इस पर लिखा है। उसका कालावधि, संपर्क, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, यह उस विज्ञापन में लिखना चाहिए। ये नमूना है। देखिए वर्तमान समय में विज्ञापन कई रूप हमारे सामने आते हैं। इनको हम निम्नलिखित प्रकारों में रखा जा सकता है। जब हम विज्ञापन लिखते हैं, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुनेय विज्ञापन होता है, यानी प्रेसिसेसिव एडवर्टाइजमेंट, सूचनाप्रद विज्ञापन यानी इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, यानी सांस्थानिक विज्ञापन यानी इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट, औद्योगिक विज्ञापन यानी इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट, वित्तीय विज्ञापन यानी फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट, वर्गीकृत विज्ञापन यानी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ऐसे विज्ञापन के अलग अलग भेद रहते हैं। विज्ञापन लेखन में विशेषणों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे खून को साफ करके त्वचा को निखारे, हमदर्दी की साफी, पांच औषधीय वाला पाचन टॉनिक जैसे झंडू पंचारिस्ट, बेजोड़ चाय, किफायती दाम रेड लेबल चाय, ताजगी व फुर्ती के लिए हॉर्लिक्स, आप अपना वक्त और ईंधन बचाइए, यूनाइटेड प्रेशर कुकर लाइए, ऐसे रोचक लेखन विशेषणों का विज्ञापन में प्रयोग करना चाहिए। दूध की सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिलखिल जाए, ऐसी विज्ञापन में रोचक बातें होनी चाहिए। जैसे त्वचा में ज्योति जगाए, रेक्सोना, गोरेपन की क्रीम, फेयर एंड लवली, एक टूथपेस्ट मसूड़ों के लिए, ऐसे मजेदार भोजन का राज, डालडा, ताजगी का साबुन, लिरिल, सुप्रीम की चमत्कार, ज्यादा सफेद, मुझे चाहिए एक साफ स्वच्छ स्नान, 100% संपूर्ण नया डेटॉल सोप, ऐसी अलग अलग जो हम एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन देखते हैं, तो दूरदर्शन पे हो या वर्तमान पत्र में हो, तो हम उस पे यह स्लोगन देखते हैं। तो ऐसे स्लोगन हम विज्ञापन तैयार करते समय इसका इस्तेमाल करना चाहिए। विज्ञापन लिखते समय जैसे कि नमूने के तौर पर हमने कुछ विज्ञापन यहाँ पर दिखाए हैं, जैसे
देखिए, पानी बचाए जीवन बचाए, जल की एक एक बूंद है अमृत समान, इसको बचाना है हम सबका काम। तो सेव वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्लीज सेव मी, यानी वाटर, यह विज्ञापन है। देखिए, कोरोना से बचे, जो कोरोना की महामारी आई है उस पर विज्ञापन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जो जारी किया था उस पर यह विज्ञापन बनाया गया है कि कोरोना से बचाव के उपाय, सावधानी सबसे बड़ा उपचार, कोरोना से न घबराए, खुद बचे और सबको बचाए, दो गज दूरी है जरूरी, मास्क सही तरीके से पहने, बार बार साबुन से हाथ धोए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते कहे, स्वास्थ्य मंत्रालय का इस पर विज्ञापन तैयार किया है। उसके बाद तीसरा नमूना है आयुर्वेदिक केश तेल, इसका एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है। आप बोलेंगे विद्यार्थी मित्रों कि हम जब परीक्षाओं में विज्ञापन तैयार करते हैं, कृति बनाते हैं, तब हम इस पर चित्र नहीं बना सकते, तो चित्र मत बनाइए, सिर्फ आपको यह लिखना है, जैसे कि स्लोगन निकले लिखने हैं। देखिए, कंपनी का नाम सबसे ऊपर लिखा है, उसके बाद यहाँ स्लोगन लिखा है, बालों को बनाइए स्वस्थ एवं मजबूत, जिससे आप दिखे खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरपूर। यहाँ उसकी विशेषताएं बताइए उस कंपनी की, यहाँ पर और कुछ उसका उसकी जानकारी, अधिक जानकारी और अधिक जानकारी के संपर्क में फोन नंबर दिखाए गए हैं, MRP दिखाई गई है। उसके बाद इसी तरह हम अलग अलग तरह से ऐसे ही बना सकते हैं। आप सभी ने यह अंत तक देखा कि विज्ञापन क्या है और विज्ञापन लिखते समय ध्यान देने वाली योग्य बातें कौन सी है, इस पर हमने विस्तृत से आज इस ऑनलाइन में चर्चा की है। अगर आपको यह ऑनलाइन लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। आज आपने इस ऑनलाइन लेक्चर को अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।